हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग. वेलकम टू केबीआई एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस स्टडी चैनल्स क्लास 5 सब्जेक्ट कंप्यूटर. माय सेल्फ शशिकला यादव, योर कंप्यूटर टीचर. चैप्टर 1, द वर्सेटाइल कंप्यूटर. यानी ये कंप्यूटर इज नॉट ओनली ऑन पार्ट्स बट इट मेड ऑफ मेनली टू कंपोनेंट्स, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. हार्डवेयर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर यानी मेनली टू कंपोनेंट्स, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. तो हार्डवेयर द फिजिकली पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर विच वी कैन सी एंड टच आर कॉल्ड हार्डवेयर. सॉफ्टवेयर द सॉफ्टवेयर इज रेफर टू इंस्ट्रक्शन आर प्रोग्राम दैट टेल द हार्डवेयर दैट टू डू. ए कंप्यूटर इज मेड ऑफ मेनी डिफरेंट हार्डवेयर पार्ट्स. तो हार्डवेयर पार्ट्स इज टू हार्डवेयर हार्डवेयर इज टू पार्ट्स आर टू टाइप्स, मेन हार्डवेयर एंड पेरिफेरल्स. हार्डवेयर इज टू टाइप्स ऑफ डिवाइस. हार्डवेयर इज टू टाइप्स ऑफ डिवाइस. फर्स्ट मेन डिवाइसेस इज फोर डिवाइसेस, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस एंड सीपीयू. Peripherals devices, any the devices that the devices which is not important to run the computer is called peripheral devices. It is used to specific works. So main, अब हम लोग first we know about main four parts. First monitor, keyboard, CPU and mouse. Monitor is an output device. It is called visual display unit. Monitor is the visual components of computer. It display information to user. Yeah, it is used for output display output. These parts require electricity, so it will have its own power cord to plug into the outlet. Next, keyboard. Keyboard is an input device. It is used for typing data instruction and giving the input into the computer. There is number keypad to the right of the main alphabetical keypad. The keyboard is used for entering data and generating commands. Next, mouse, central processing unit, any CPU. CPU is stand for central processing unit. CPU is that where everything comes together to work or all data process inside the computer. It is also known as the brain of a computer. All parts including the monitor, mouse, keyboard, speaker and other joints at the unit of become a functional system. यानी जितने भी कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं सबको, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, स्कैनर जो भी होता है सबको हम लोग मेन अटैच करते हैं सीपीयू से. नेक्स्ट माउस. A mouse is also called
The input device it is used for selections and drawing features. There are two buttons on the mouse. First button, right button, or second, left button. Left button and right button. Others one, a wheel. Once is scroll wheel on a mouse. अब हम लोग आएंगे सॉफ्टवेयर यानी सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर इज रेफर टू डाटा आर प्रोग्राम दैट टेल द हार्डवेयर व्हाट टू डू यानी ये काम हार्डवेयर को बताता है कि वो क्या करेगा एक विदाउट ए सॉफ्टवेयर ए कंप्यूटर कैन नॉट रन तो सॉफ्टवेयर देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर ए कंप्यूटर नीड ए सिस्टम सॉफ्टवेयर टू रन ए विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर कैन नॉट डू वर्क आर रन आर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यानी ए कंप्यूटर इट इज यूज फॉर स्पेसिफिक वर्क यानी अपने स्पेशल वर्क के लिए हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर इज ए वेरी इंपॉर्टेंट विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर कैन नॉट डू वर्क आर रन तो ये हम लोग का हो गया अब हम लोग मेन पार्ट्स पढ़े हैं कंप्यूटर का अब इसके अलावा इंस्टेंस पेरिफेरल्स डिवाइस को या एसएनटी डिवाइस को अगले वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अभी आप लोग मेन पार्ट्स यानी कंप्यूटर टू मेन कंपोनेंट्स मिलकर के बना है कौन सा है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के भी टू टाइप्स के डिवाइस होते हैं मेन डिवाइस यानी बिना इसके का कंप्यूटर हमारा वर्क नहीं करेगा उसको हम लोग मेन फोर डिवाइस होते हैं पार्ट्स होते हैं जो मॉनिटर है कीबोर्ड है माउस है एंड सीपीयू है और सॉफ्टवेयर में सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इसके बारे में हम आगे नेक्स्ट बताएंगे अब इसके अलावा मेन पार्ट्स के अलावा पेरिफेरल्स डिवाइस होते हैं यानी इसके बिना हमारा कंप्यूटर रन कर सकता है लेकिन इसको हम अपनी आवश्यकताओं के अनुसार हम इसको लगाते हैं ए पार्ट्स फ्रॉम दीज फोर मेन पार्ट्स देयर आर मेनी अदर पार्ट दैट कैन बी अटैच टू द कंप्यूटर दीज पार्ट्स आर नॉट एसेंशियल टू रन बट दे आर यूज टू डू डिफरेंट फंक्शन दीज पार्ट्स आर कॉल्ड पेरिफेरल्स डिवाइस एग्जाम्पल्स फॉर एग्जाम्पल सीडी पेन ड्राइव स्पीकर माइक्रोफोन स्कैनर जॉयस्टिक एक्सेट्रा यानी इसके बिना हमारा कंप्यूटर रन करेगा काम करेगा ऐसा नहीं है कि काम नहीं करेगा लेकिन इसको जब हमें आवश्यकता होती है जब हमको जरूरत होती है तब हम इसको कंप्यूटर से अटैच करते हैं और अपना काम करते हैं फिर इसे निकाल देते हैं पेन ड्राइव इज ए पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस वी यूज इट स्टोर इंफॉर्मेशन फॉर ए कंप्यूटर एंड यूज इट ऑन अदर सिस्टम दे आर आल्सो नो एज द फ्लैश ड्राइव यानी आप पेरिफेरल्स डिवाइस में हम पेन ड्राइव होगा स्पीकर माइक्रोफोन तो पेन ड्राइव क्या है पेन ड्राइव इज ए स्टोरेज डिवाइस इट इज पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस इट इज यूज्ड टू स्टोर इंफॉर्मेशन और डाटा फॉर फ्यूचर यूज आर अदर कंप्यूटर इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए कंप्यूटर एंड यूज इट ऑन अनदर सिस्टम स्पीकर इज एन आउटपुट डिवाइस इट इज यूज टू लिसनिंग म्यूजिक सॉन्ग प्ले हियर थ्रू द स्पीकर एंड इट इज यूज फॉर हियरिंग
sound. Microphone. Microphone is an input device which take voice as input. The voice communications is more ear phone than information through keyboard. There are two types of microphones available. These are desktop microphone and handheld microphone. Any microphone is a input device. It is used to take voice as input. बस इतना जानिए कि माइक्रोफोन इज एन इनपुट डिवाइस विच टेक वॉइस एज इनपुट. स्कैनर. ए स्कैनर इज एन डिवाइस दैट स्कैन इमेज फ्रॉम फोटोग्राफीज प्रिंट पोस्टर्स मैगजीन पेजेस आर एंड सिमिलर सोर्सेस फॉर कंप्यूटर एडिटिंग एंड डिस्प्ले. यानी स्कैनर इज ए इनपुट डिवाइस है. ये भी एक इनपुट डिवाइस है. इट इज स्कैन इमेज फ्रॉम यानी कोई भी हमारे ये बुक का फोटो या कोई भी चीज है या फोटो है प्रिंटिंग है कोई चीज है उस स्कैनर में डालते हैं और फिर वो स्कैनर में डाला हुआ चीज हमारे मॉनिटर पे डिस्प्ले यानी एडिटिंग और डिस्प्ले करने के लिए हम इसका यूज करते हैं. जॉयस्टिक. जॉयस्टिक इज एन इनपुट डिवाइस इज कॉमनली यूज टू कंट्रोल वीडियो गेम. जॉयस्टिक इज ए इनपुट डिवाइस. इट इज यूज टू कंट्रोल कॉमनली यूज टू कंट्रोल वीडियो गेम. ये आपका फिनिश हो गया. आगे नेक्स्ट वीडियो में डिफरेंट एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर यानी सॉफ्टवेयर के बारे में हम आगे बताएंगे वीडियो में. अभी आप बस कंप्यूटर इज ए वर्सेटाइल मशीन है. ये दो कंपोनेंट से मिलकर के बना है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. आज आप जानेंगे हार्डवेयर के बारे में. हार्डवेयर इसके टू हार्डवेयर के भी टू पार्ट्स होते हैं मेन पार्ट्स और पेरिफेरल्स पार्ट्स. तो मेन पार्ट्स में कीबोर्ड माउस सीपीयू और माउस है. मॉनिटर कीबोर्ड सीपीयू एंड माउस है. और पेरिफेरल्स डिवाइस में आपका स्कैनर माइक्रोफोन जॉयस्टिक और पेन ड्राइव एक्सेट्रा. बस इतना आप रिवाइज करें.